माई डियर स्टूडेंट, आई एम राम रतन सर। आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताऊंगा। और इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बताने से पहले आप लोग को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस कई तरीके के होते हैं। आपको बताया गया है, जब पढ़ाया जा रहा था एक्टिव वॉइस, तो उसमें बताया गया था जिन वाक्यों से आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव आदि के भाव का बोध होता है वे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका कर्ता यू होता है, जो हमेशा छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है। तो यह जानकारी होनी चाहिए आपको, अब तभी आपको यह इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं अब आगे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर व कमेंट अवश्य करें, जिससे पता चले कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम, तो ये जो पहला रूल है बनाने का नियम, इसका नियम है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश के भाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तब पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम लेट रखेंगे, और लेट के बाद इसके ऑब्जेक्ट को ला करके हम यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट ही रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप घबरा रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है। तो देखिए, लेट के बाद नियम होता है कि सदैव हमेशा लेट के बाद कभी भी यहाँ पर जब भी रखा जाएगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर हम उधर से लाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट अगर उधर मी है तो यहाँ पर आकर के मी ही होगा, यानी लेट के बाद यहाँ पर आकर के बदलेगा नहीं, मी रहेगा। तो मैं लेट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखिए, यहाँ पर लेट है तो लेट के बाद मी का प्रयोग किया जाता। कोई सोचेगा कि आई, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए समझे, लेट के बाद जैसे आपके ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह ला करके यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, क्योंकि उधर ऑब्जेक्ट है, इधर आ रहा है, इसलिए हम इसका नाम नया ऑब्जेक्ट रख दिए। और उसके बाद बी का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद पैसिव वॉइस की में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो कुछ भी बचेगा आप यहाँ रखिएगा। चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है, जो हमेशा छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है इसमें, तो इसी कारण से जो सब्जेक्ट इसका छिपा होता है, तो हम इधर अगर इस तरह से कर देंगे हमेशा के लिए बाय यू, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का जब कर्ता यू छिपा होता है तो पैसिव वॉइस भी बनाते समय हम यू का प्रयोग नहीं, बाय यू का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा ही है, आने इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे बाय यू का प्रयोग करें और चाहे बाय यू का प्रयोग न करें, लेकिन न करें तो अधिक बेहतर माना जाता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे, यदि आदेश के भाव का बोध होता है तो इसके पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम लेट रखेंगे, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, फिर भी थर्ड फॉर्म जो बचेगा, हाँ फुल स्टॉप। जैसे देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर मीन दरवाजा खोलो, इसे किसका बोध हो रहा है, आदेश का, इसीलिए इसमें सबसे पहले आप लेट रखिएगा। और लेट के बाद इसके नया ऑब्जेक्ट रखना, इसी ऑब्जेक्ट को ला करके यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बना दीजिए डोर, और उसके बाद रखेंगे बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ओपन फुल स्टॉप। इसके बाद बाय यू न लिखें तो बेहतर माना जाता है। देखिए, स्विच ऑन द लाइट,
मतलब स्विच ऑन द लाइट, तो इसमें लाइट द लाइट ऑब्जेक्ट है, जब बनाएंगे तो लेट उसके बाद द लाइट उसके बाद बी उसके बी के बाद थर्ड फॉर्म स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड, और फिर जो बचा है अनयान यहां पर रख दीजिए फुल स्टॉप। पोस्ट दिस लेटर, तो देखिए इसका पोस्ट दिस लेटर लेट इसके अपडेट को दिस लेटर उसके बाद बी थर्ड फॉर्म रखिए पोस्ट का पोस्टेड फुल स्टॉप। इसके आगे देखिए ब्रिंग ए बॉटल ऑफ बिस्की, मतलब एक बॉटल बिस्की लाओ, क्या लाओ ए बॉटल बिस्की, तो इसका भी लेट फिर पूरा अपडेट हुआ ए बॉटल ऑफ बिस्की, तो यहां पर हो जाएगा अ बॉटल ऑफ बिस्की उसके बाद हो जाएगा बी के बाद थर्ड फॉर्म ब्राट ब्रिंग का ब्राट बी आर ओ यू जी एस टी। यहां पर भी पोस्ट दिस लेटर लिखा हुआ है, तो पोस्ट दिस लेटर का ऊपर बता दिया गया है, ऊपर अभी बताया गया है पोस्ट दिस लेटर। दूसरा सेंटेंस कॉल हिम, तो देखिए उसे बुलाओ ही लेट फिन हिम उसके बाद बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल डू इट, तो देखिए इसमें लेट फिन इट उसके बाद बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। टेल हर टू रीड द गीता, इसमें देखिए इंपरेटिव सेंटेंस आपका टेल यानी कि मुख्य क्रिया है टेल, फिर ऑब्जेक्ट आपका है हर, इसके बाद टू लग के ये इन्फिनिटी बना हुआ है, तो हमको टू से इधर नहीं जाना है, जो भी पैसुए में चेंज करना है आप इतना कर लीजिएगा, इसके बाद टू के आगे इसको उतार लीजिएगा जैसे रहेगा। तो इसमें देखिए टेल वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम लिखेंगे यहां पर लेट हर उसके बाद बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेल का टोल्ड उसके बाद इधर देखिए सबको इसी तरह सारे रीड द गीता। किसी किसी बुक में यहां पर दिया होगा बायू, तो देखिए गलत माने बायू लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन न लिखे तो और अच्छा होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है जो हमेशा छिपा होता है लिखा नहीं जाता है। तो यह पहला रूल है कि यदि आई इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा आदेश के भाव का बोध होता है तो पैसिव आई बनाते समय आपको सबसे पहले लेट रखना है उसके बाद नया ऑब्जेक्ट रखना है फिर बी थर्ड फॉर्म अदर। अब इसके बाद आपको दूसरा रूल बताया जाएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा दूसरा रूल होगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा जैसे निगेटिव हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव हो तो उसके बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेट रखेंगे, सबसे पहले इसमें लेट रखेंगे उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, लेट के बाद नया ऑब्जेक्ट उसके तुरंत बाद नॉट रखेंगे उसके बाद बी हो जाएगा और तब थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो बचेगा यहीं रख देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें डू नॉट प्लग द मैंगोज, तो इसमें लिख दिए सबसे पहले लेट, इसका नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैंगोज उसके बाद हो जाएगा देखिए निगेटिव है डू नॉट है तो इसमें नॉट बस जो रूल है उसी के अनुसार बनाएंगे नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लग का प्लग्ड हो जाएगा पी एल यू सी के ई डी प्लग्ड। देखिए अगला डोंट या चाहे डू नॉट लिखे चाहे डोंट इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट इंसल्ट द पुअर, तो देखिए इंपरेटिव लेट हो जाएगा द पुअर निगेटिव यहां पर नॉट और तब जाकर के बी
आप फिर थर्ड वर्ब इंसल्टेड INSULTED इंसल्टेड। देखिये नेभर, जब वाक्य में नेभर आता है तो जहां यहां पर देखिए जो नाट है यहीं पर आप यहां पर नेभर लिख दीजिएगा। जब डू नाट आएगा तो नाट, और नेभर अगर आता है डू नाट या डोंट आएगा तो नाट। अगर इसमें नेभर वाक्य में आया नेभर इंसल्ट पुअर, तो जहां पर आप नाट रखें वहीं पर आप नेभर का प्रयोग करिएगा, और नेभर के साथ नाट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए लेट द पुअर, उसके बाद नेबर बी, फिर थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। डू नॉट डू इट, तो इसमें भी देखिए लेट इट नॉट बी डन। इस तरह से इंप्रेडिव सेंटेंस का पॉजिटिव और निगेटिव समाप्त हुआ पहला रूल में। अब दूसरा रूल अभी बताया गया है कि यदि इंप्रेडिव सेंटेंस के द्वारा आदेश के भाव का बोध होता है तो पैसिव आई बनाते समय सबसे पहले हम लेट रखते हैं, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी लगा रहे हैं, फिर थर्ड फॉर्म इस तरह रख रहे हैं। लेकिन यदि इंप्रेडिव सेंटेंस के द्वारा जो इंप्रेटिव सेंटेंस होगा, अगर उस सेंटेंस यानी इंप्रेटिव सेंटेंस की अगर एक्टिव वॉइस द्वारा सलाह के भाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे नया सब्जेक्ट, और इसमें नया सब्जेक्ट हो गया देखिए यहां पर लिखेंगे इसके बाद शुड, और शुड के बाद लिखेंगे बी, और फिर थर्ड वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो बचेगा यहां पर रखेंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि इंप्रेटिव सेंटेंस बाई यू का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा, तो आप ना करिए। जैसे देखिए अगर इंप्रेटिव सेंटेंस के द्वारा सलाह के भाव का बोध होगा तो हम जब इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले नया सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शुड बी, थर्ड वर्ब जो बचेगा यहां पर रख देंगे। जैसे देखिए हेल्प द हेल्पलेस यानी असहायों की मदद करो, तो इसमें असहायों की मदद करो, तो इसमें कोई आदेश नहीं हो रहा है, आदेश करने पर सलाह नहीं होगा। अगर आदेश के भाव का बोध होगा तो इसमें सलाह नहीं। देखिए हेल्प द हेल्पलेस, इसमें हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम क्या करेंगे, हमें सलाह दिया जा रहा है कि असहायों की सहायता करो या जरूरतमंदों की सहायता करो। तो यहां देखिए सबसे पहले इसमें तब ऐसे सेंटेंस में अगर सलाह के भाव का बोध हो रहा था हम नया सब्जेक्ट रखेंगे, तो द हेल्पलेस यहां पर हो जाएगा द हेल्प लेस, द हेल्प लेस, उसके बाद हो जाएगा शुड, सलाह हो रहा था शुड, शुड से सलाह, फिर बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प का, हेल्पड हो जाएगा, हेल्प का हेल्पड हो जाता है। उसी तरह से लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो जो यह है नया सब्जेक्ट है फिर शुड है, उसके शुड के तुरंत बाद यहां पर नाट लगा देंगे, तब भी थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहां रखेंगे, अने शुड के तुरंत बाद नाट तब भी। जैसे देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर, तो डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसमें हो जाएगा द पुअर शुड
नॉट बी, नॉट बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। अब आपको यह समस्या आ रही होगी कि पीछे आप अभी बताएं कि लेट से बनाएंगे डोंट इंसल्ट द कोर, अभी यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर शूट से बनाएंगे। तो देखिए पहला एकदम नियम तो यह है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश के भाव का बोध हो तो पैसिव वाइज बनाते समय सबसे पहले लेट, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट, सॉरी नया ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहां अंत में रखते हैं। लेकिन दूसरा रूल है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा सलाह के भाव का बोध हो तो सबसे पहले नया सब्जेक्ट शुड नॉट बी थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहां रखेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, समस्या हो रही है, तो दूसरा रूल यह है कि नोट में इसको जान जाइए कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा, यदि आपको इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा आदेश या सलाह के भाव का पता न चले तो आप जो ऊपर जो रूल एक और दो बताया गया है उनमें से किसी नियम का पालन कर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ध्यान यह रखें कि भाव अर्थात अर्थ में परिवर्तन न हो। आपको अगर पता चले कि आदेश के भाव का बोध हो रहा है तो लेट से बनाइए, यदि आपको पता चल रहा है कि सलाह के भाव का बोध हो रहा है तो आप शूट से बनाइए। लेकिन आपको जब पता नहीं चल रहा है कि आदेश या सलाह, तब आप चाहे नियम एक चाहे नियम दो किसी का पालन कर आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ध्यान यही रखिएगा कि अर्थ तथा भाव में परिवर्तन न हो। अब एक्सरसाइज के रूप में इसे कर लीजिए आप लोग। पहला है शट द डोर्स, दूसरा है कॉल द सर्वेंट्स, तीसरा है स्पीक द ट्रूथ, चौथा है डू नॉट टेल अ लाई, पांचवा है डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, नेवर टीच द पुअर, टेल हिम टू टाइप द लेटर्स, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। टर्न, नौवां है टर्न हर आउट, दसवां है गिव द ऑर्डर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।